दोस्तों मेरे चैनल स्टडी किंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम सुखबीर सिंह शोकंद है और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ HSSC का फीमेल सुपरवाइजर का जो एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की। यहाँ पर हम इंग्लिश के सेक्शन के अंदर जो चीजें आपसे पूछी गई थी उसको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 46 में देखते हैं क्या पूछा गया। इसमें बोला गया कि आर्टिकल बताइए सूटेबल जो यहां पर आना चाहिए, जो यहां पर रिक्त स्थान दिया गया है यहां पर कौन सा आर्टिकल फिट होना चाहिए था ये बताना था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हु इज, फिर यहां पर रिक्त स्थान आ गया, बॉय सिटिंग अंडर द ट्री क्वेश्चन मार्क। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जब भी आपको ए, एन और द, ये तीन आर्टिकल्स होते हैं हमारे, इनको कैसे इस्तेमाल करना है। आर्टिकल द को तब इस्तेमाल किया जाता है जब मेरा जो नाउन होता है वो स्पेसिफिक केस का होता है। ए और ए एन में से किसी एक का इस्तेमाल तब किया जाता है जब एनी केस का होता है, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास जो नाउन है जिससे पहले हमें जिसके लिए आर्टिकल लगाना है वो है बॉय, ठीक है। अब मुझे देखना है कि एनी केस से किस स्पेसिफिक है। अगर इसके बारे में कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो ये क्या हो जाएगा, मेरा स्पेसिफिक हो जाएगा। तो देखिए यहां पर ये जो इंफॉर्मेशन है सिटिंग अंडर द ट्री ये किसके लिए बोला गया, ये बात इस बॉय के लिए बोली गई। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं हु इज द बॉय, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअली सिटिंग अंडर द ट्री जो है ये इसके बारे में एड करके जानकारी दे रहा है। तो मुझे अब पता है कि मैं किसी भी बॉय की बात नहीं कर रहा, मैं उस बॉय की बात कर रहा हूं जो उस ट्री के अंडर बैठा है, ठीक है। तो यहां पर ना तो आर्टिकल ए आ सकता ना एन आ सकता, यहां पर आएगा आर्टिकल द, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, सप्लाई सुटेबल प्रिपोजिशन। देखिए मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट इन दोनों के अंदर ही जो पैटर्न रहा है वो बिल्कुल सेम रहा है। मॉर्निंग शिफ्ट में भी एक आर्टिकल एक प्रिपोजिशन पूछा गया था, तो इवनिंग शिफ्ट के अंदर भी ऐसा ही किया गया है। क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं क्या है, अहमदाबाद इज फेमस फिर डैश इट्स टेक्सटाइल मिल्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए यानी कि 4। अहमदाबाद इज फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल मिल्स, यहां पर बाकी के जो भी प्रिपोजिशन दे रखे हैं वो इन अप्रोप्रिएट है, वो इससे मेल खाते ही नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48, ये क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा। इसमें बोला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताने के लिए, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो देखिए अनेक शब्द क्या है, ए पर्सन हु रिप्रेजेंट्स रेडियो और टीवी प्रोग्राम, सॉरी हु प्रेजेंट्स, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। एलकेमी, ये केमिस्ट्री से रिलेट करता है तो ये तो इसका तो लेना देना है ही नहीं। एंकर, देखिए ये बिल्कुल सही है, आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा एंकर। बाकी ऑप्शंस पे भी ध्यान देते हैं। सी क्या है, एस्ट्रोनॉट, हमें पता है तो स्पेस में ट्रेवल करने वाले पर्सन को बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, देखिए एंथ्रोपोलॉजी होता है आपका स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी, और स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी करने वाला एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो जाएगा। तो इसका भी हमारे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा बी एंकर। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है डैश इज ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार। देखिए सबसे पहले ऑप्शन है क्यूरेटर, इसको देख लेते हैं क्यूरेटर का क्या मतलब होता है। क्यूरेटर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो मैनेज करता है म्यूजियम या फिर लाइब्रेरी को, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। फिर बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन में है कॉम्पेयर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे है सी, अगर यहाँ पे स्पेलिंग ठीक से नहीं दिख रही तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं सी ओ एम पी ई आर ई, ये वर्ड है यहाँ पे, और इसका मतलब होता है मास्टर ऑफ सेरेमनीज, ठीक है। तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है। फिर देखिए फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट वो होता है जो फ्लावर्स वगैरह को बेचता है, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं। हालांकि एक ऑप्शन बच गया तो आंसर तो यही होगा,
लेकिन ये क्या वर्ड है ये देख लेते हैं। अगर आपको ये वर्ड क्लियरली दिख नहीं रहा तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये जो वर्ड है ये है CHAUFFEUR, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एम्प्लॉयड टू ड्राइव प्राइवेट कार, और यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर होगा आपका डी। ये आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है आपका ये देखते हैं, और इसको मैं नेमिंग दे देता हूं 51। सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट इज मोस्ट सिमिलर। तो देखिए ये जरूर इंस्ट्रक्शन जरूर ध्यान से पढ़ें, डायरेक्शंस को ध्यान से देखें, क्या पूछा गया आपसे, आपसे पूछा है सिमिलर, ठीक है, और वर्ड क्या गिवन आपको, एनिहिलेशन। देखिए अगर आप एचएसएससी को क्लियर करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, तो उसके अंदर जो इंग्लिश के सेक्शन है उसको आप हल्के में नहीं ले सकते, और अगर आप इंग्लिश को डील करना चाहते तो आपको वोकैब को डील करना पड़ेगा। जब मैं कह रहा हूं वोकैब, मेरा मतलब है सिमिलर वर्ड, मेरा मतलब है अपोजिट वर्ड, और मेरा मतलब है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। और यहां पर देखा जाए तो इडियम्स, इनका भी बहुत इस्तेमाल किया, तो मैं उसको भी वोकैब का ही पार्ट मान के चल रहा हूं। इन सभी चीजों के लिए आप मेरे जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसकी प्लेलिस्ट में जाएं, और उसकी प्लेलिस्ट में आप पाएंगे कि मैंने वोकैब की बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं। उसमें मैंने माइंड ट्रिक के साथ इन सभी वर्ड्स को एक्सप्लेन किया है जिससे आप उसको याद रख सकते हैं, तो ये माइंड ट्रिक बहुत काम आएगी आपके। आप एक बार उन वीडियोस को देख के जरूर देखें कि भाई कैसा है वो, अगर आपको फायदा होता तो आप प्लीज उनको देखें, ठीक है। मैंने काफी मेहनत की है उस पे, तो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। तो यहां पर देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। ए है इनसाइड, ये तो अंदर हो गया। एक्चुअली एनिहिलेशन, एनिहिलेट जो है, या एनिहिलेशन जो है, इसका मतलब देखते हैं क्या है। इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय, ठीक है, इसका मतलब है डिस्ट्रॉय कर देना, किसी को तबाह कर देना, बर्बाद कर देना। तो इनसाइड तो इसका नहीं है, ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग। हीरोइक ये भी नहीं होगा। डिफाइलमेंट, डिफाइलमेंट मॉर्निंग के पेपर के अंदर भी आया हुआ था, इसका मतलब था एक्ट ऑफ मेकिंग इम्प्योर, तो मीनिंग ये भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, कार्नेज। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई उसमें मैंने बताया था कि कार प्लस एज, ऐसे याद रखिए इसको, ठीक है। तो कार की जब एज बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो कार्नेज का मतलब क्या हो गया आपका, एनिहिलेशन। फिर देखिए ड्वेलिंग, ये जो ड्वेलिंग वर्ड होता है इसका जो आंसर होगा वो तो होगा बी, यानी कि अबोर्ड। अबोर्ड को मैंने कहा था ऐसे याद रखिए, ए प्लस बॉडी, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारी की सारी ट्रिक्स जो मेरे माइंड ट्रिक की जो वीडियोस हैं वो कैब की, उसके अंदर मैंने मेंशन की है। तो ये बो और डी, बॉडी, और आत्मा के लिए बॉडी क्या होती है, घर होता है, ठीक है, तो इसका मतलब भी क्या होता है हमारा, हाउस, ठीक है। और ड्वेलिंग इसका मतलब भी हाउस होता है, कैसे याद रखेंगे हाउस होता है इसका मतलब। तो देखिए यहां पर मुझे मिल रहा है वेल, तो हम वेल फील कहाँ करते हैं, हम वेल फील करते हैं घर पे, ठीक है। ब्रिलियंट कोई लेना देना नहीं है इसका, ह्यूज कोई लेना देना नहीं है इसका, एम्प्टी कोई लेना देना नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 52, इसके अंदर क्या बोला है, इसके अंदर पूछा है हमसे अपोजिट वर्ड, तो ध्यान रखिएगा सब वोकैब के ऊपर ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। क्रेजी, क्रेजी का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। क्रेजी का मतलब होता है इनसेन, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं कि लुनेटिक, यानी कि पागलपंथी करना, पागल व्यक्ति, वो होता है क्रेजी आपका। अटैक नहीं, ये मेल नहीं खाता। डिवाइड ये भी मेल नहीं खाता। सेन, देखिए अगर ये इनसेन है तो सीधी सी बात है इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेन, तो आंसर हो गया आपका सी। डी क्या है, कॉम्प्लेक्स, ये भी मेल नहीं खाता, तो इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 53, अब देखिए इसमें क्या है, ग्लूमी, जो ग्लूमी होता है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक हिसाब से डिम या फिर डिजेक्टेड, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं इम्परफेक्टली इल्यूमिनेटेड। तो यहां पर देखते हैं गिल्टी तो दोषी होता है, ये नहीं होगा। एक्सक्लूड ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, एक है ग्रुप ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब क्या होता है, ब्राइट एंड प्लेजेंट,
चीयरफुल जो होता है वो कैसा पर्सन होता है? ब्राइट एंड प्लीजेंट। तो ब्राइट एंड प्लीजेंट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं चीयरफुल। तो सीधी सी बात है, ये दोनों मीनिंग जो है एक दूसरे से अपोजिट है, और यही हमें बतानी थी यहाँ पे, अपोजिट मीनिंग। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूं दोस्तों। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जब आप व्हाट्सएप करें तो आप अपना नेम और प्लेस, ये दोनों चीजें मुझे बताएं कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। देखिए, जो व्हाट्सएप ग्रुप होंगे वो गर्ल्स के लिए अलग है और बॉयज के लिए अलग है। तो बॉयज को मैं बॉयज ग्रुप में ऐड कर दूंगा और जो गर्ल्स होंगे उसको मैं गर्ल्स ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इस ग्रुप में ऐड होने का फायदा ये होगा कि आपको डेली न्यूज़पेपर, माई हैंड रिटन नोट्स एंड अदर स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। यहां पर आप, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कौन से क्वेश्चन उनके करेक्ट हुए कौन से नहीं हुए। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया दोस्तों।